तो थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि पहले ये किया हुआ है, जस्ट मेन मेन पॉइंट्स पर ज्यादा इम्फेसाइज करेंगे। तो सपोज करो कि वी आर गिवन अ फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू, फंक्शन ले लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ले लें, या कुछ और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स भी ले सकते हो, या सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन भी ले सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन हियर इज सेट ऑफ और रियल ऑल रियल। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? फाइंड द, बोलते जाओ, पहले किया हुआ है तो बोलते जाओ, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? वेयर द डेरिवेटिव इज आइदर जीरो नॉट नॉट डिफाइंड और डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैंने यहां पर एफ डैश एक्स फिगर आउट किया तो एफ प्राइम एक्स तुम्हें क्या मिल रहा है? एफ प्राइम एक्स मिल रहा है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स। और प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू नेगेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। सो इफ यू जस्ट टेक दी कॉमन फैक्टर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, व्हाट डू यू गेट? ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू व्हाट? एक्स इंटू टू माइनस एक्स। एंड इफ यू पुट इट इक्वल टू जीरो तो आपके पास में जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं क्या? एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, एग्रीड आर नॉट? सो देर आर ओनली टू क्रिटिकल पॉइंट एंड बोथ आर स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट, अदर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? इसके बाद क्या करेंगे? मार्क दिस क्रिटिकल पॉइंट अ नंबर लाइन एंड चेक द चेंज इन साइन ऑफ डेरिवेटिव। यस एंड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब विद इन द डोमेन ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन दी इंटरवल्स सो ऑब्टेन्ड। तो पॉइंट ये है, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि डेरिवेटिव आर एनी फंक्शन कैन चेंज इट्स साइन ओनली एट रूट्स और द पॉइंट वेयर इट मे जंप इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है उस पॉइंट पर साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है एंड रूट्स पर साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट तो रूट्स हैं डेरिवेटिव के रूट्स हैं, तो उनको हमने मार्क कर दिया। डिसकंटिन्यूटी है नहीं इसमें, तो हमने बोला कि एक जीरो पर पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन साइन है और टू पर है। अब जीरो से टू के बीच में साइन चेंज नहीं करेगा, टू के राइट में साइन चेंज नहीं करेगा, जीरो से लेफ्ट में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट्स, रिमेंबर दिस लाइन, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट द साइन ऑफ डेरिवेटिव रिमेन्स यूनिफॉर्म। कोई डाउट इसमें? बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट साइन ऑफ डेरिवेटिव विल रिमेन यूनिफॉर्म। व्हाई? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि वो अपना साइन वो रूट्स पे ही चेंज करेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होएगा उसके अराउंड ही चेंज करेगा अपना साइन। क्योंकि साइन चेंज करेगा जहां पर उस
डेरिवेटिव का रूट्स होगा या जहां पर डेरिवेटिव जंप कर रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर दो कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके बीच में साइन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में साइन चेंज सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर ही करेगा। अब अगर ऐसा ये बात सच है तो अगर मेरे को चाहिए कि टू के राइट साइड में साइन क्या है तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं यहां पर देखो, ये वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है तो वेविकर मेथड भी यूज किया सकता है। और यू पुट एनी सुइटेबल नंबर टू के बियॉन्ड, टू के राइट साइड में कोई एक नंबर मतलब पिक कर लो, 3, 4, 5 एंड सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड द साइन। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, व्हाट इज द साइन? पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो मैंने यहां पर नेगेटिव, अब एक जगह नेगेटिव आया तो पूरे इंटरवल में नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि विदाउट क्रिटिकल पॉइंट साइन विल नॉट चेंज, ये नेगेटिव साइन आ गया। अदरवाइज वेविकर मेथड से देखो तो टू के राइट में नेगेटिव है और इधर में पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी ना, ये साइन कहाँ चेंज करेगा? इसका इसका जो ये वाला फैक्टर है ये तो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव है, तो आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया इस इंटरवल में, और फिर यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। सबको समझ में आ रही बात? यस सर यस अब तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप क्या हुआ बोलो? पहला स्टेप समझ में आ गया, साइन ऑफ डेरिवेटिव भी मिल गया, अब लास्ट स्टेप क्या है? अब लास्ट स्टेप है कि फाइंड द साइन ऑफ डेरिवेटिव इन दीज इंटरवल्स ऑब्टेन। सो वंस वी फाइंड साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इन दीज इंटरवल्स ऑब्टेन। अब मुझे बता सकते हो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या होगा? इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीज क्या होगा? इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीज अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या होगा? से जीरो टू, क्लोज टू टू क्लोज जीरो टू क्लोज क्लोज तो आएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से टू क्लोज। ओपन इंटरवल भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, 0 ओपन से टू ओपन, ये भी ठीक है, या कोई सेमी ओपन सेमी क्लोज भी लिखेंगे, उसमें भी गलत नहीं है। यूजुअली हम ओपन इंटरवल लिखते हैं, बट ओपन इंटरवल की बजाय क्लोज इंटरवल लिखो तो ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें बात करेंगे। अच्छा, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीज क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड टू क्लोज से इन्फिनिटी मोनोटोनिक डिक्रीज, तो आ गया तुम्हारा नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। अभी ओपन ही लिखते हैं, चलो अभी क्लोज नहीं लिखते हैं, सिर्फ ओपन लिखते हैं, बाद में उसमें डिस्कशन होगा तो वहां पर मेंशन करेंगे सारे बात कि कहां पर हम ओपन क्लोज क्लोज कैसे। के लिए पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि उस पे नहीं कैसा कुछ है। नहीं, कुछ नहीं करना, अभी अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी ओपन ही लिख रहा हूं मैं, डेलिबरेटली ओपन लिख रहा हूं, बट कहां पर क्लोज कर सकते कहां नहीं कर सकते इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी पॉइंट बाय पॉइंट। एनीवे, माइनस इनफिनिटी टू 0 ओपन, आगे यूनियन, यूनियन टू टू इन्फिनिटी सर एंड अलग से बोलेंगे यूनियन टू टू इनफिनिटी अगर बोल रहे हैं तो यहां हो जाएगी गड़बड़, यस सर तो हम एंड आ इंटरवल जाएगा अलग से बोलेंगे। हाँ, तो आप यूनियन नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू दिस और एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये इंटरवल भी इंटरवल ऑफ मोनोटिक इंक्रीज है, ये भी सेपरेटली इंटरवल ऑफ मोनोटिक इंक्रीज है, बट दोनों को क्लब नहीं कर सकते, यूनियन सिंबल से क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन सिंबल से क्लब करेंगे तो वो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी वो अभी उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर कोई बताएगा कि यूनियन से क्यों नहीं क्लब किया? अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो जो कुछ आपने डिस्कस किया इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देख रहा हूँ, 0 पर, अच्छा माइनस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी या इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी? जीरो को टेंड करिए हाँ, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स है ना,
यस सर। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, अगर लिमिट निकालेंगे, है ना, लिमिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लॉ पिटल रूल लगाएंगे, 2x अपॉन e की पावर x, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अपॉन e टू द पावर x तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पर ये 0 होगा। x इक्वल टू 2 पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा, राइट में डिक्रीज कर रहा, तो अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा तो ये मैक्सिमा पॉइंट फॉर्म होगा यहां पर 2 पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, व्हाट इज एफ 2, 4/e² 4/e² है, 4/e² है, मतलब 2 पर वैल्यू यहाँ कहीं कुछ पॉजिटिव वैल्यू, 4/e² है ऐसे। इसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ऐसे, और मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा कर देता हूँ सो दैट समझ में आ जाए, मैं जरा बड़ी वैल्यू 4/e² यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट में इंक्रीज करते हुए ग्राफ ऐसे गया, ये मैक्स वैल्यू लिया और इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है ऐसे, और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब ये कहीं ऐसे जा करके ऐसे टच कर जाएगा एक्स एक्सिस में। 0 पर वैल्यू क्या है, 0 पर, 0। 0 पर वैल्यू 0 है, और 0 पर वैल्यू 0 है, और फंक्शन ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएबल है, मतलब है कि यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा कुछ करके ऐसा आया होगा ऐसे टच करते हुए ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, क्योंकि इधर डिक्रीज कर रहा है ऐसे, बोलो हाँ या ना, यस सर। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी, दैट ऑल्सो यू कैन फिगर आउट, माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी होगी, तो ये ग्राफ आया। अब जरा देखो क्या कहानी है, अब इसके इस पार्ट, इसके पूरे 3 पार्ट कर रहा हूं मैं, एक इस पॉइंट से लेके सिर्फ इतना, क्या आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है यहां तक, यस सर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अब आप देखते हैं, चलो यहां से इसी पॉइंट को लेकर के इधर वाला ग्राफ देखो, यहां से यहां तक ये ग्राफ, यहां तक ये टॉप पॉइंट तक, यहां तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बोलो है ना, यस सर। यस। और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है, स्काई कलर में जो दिख रहा है, वो उसकी क्या कहानी है आपकी, ये डिक्रीजिंग। तो सेपरेटली ये तीनों में कोई डाउट नहीं है, अलग अलग अगर इन तीनों इंटरवल्स को देखो तो क्लियरली आप बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, क्लोज या ओपन चाहे जैसे लिखो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 इंटरवल में देखो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। आई होप बिल्कुल इसमें आपको समझ में आ रही बात। अब दिक्कत क्या हो रही है, अगर आपने ये दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले जो इंटरवल्स हैं इनका अगर यूनियन कर दिया तो क्या दिक्कत होगी, इफ आई से दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और मैंने बोला एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, नाउ दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, नाउ दिस स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड गुड, डू यू एग्री, सर। क्यों नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि यहां तक पहले वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज करते हुए 0 हुई, 0 के बाद इंक्रीज करके वो कुछ वैल्यू अटेन किया, फिर जब डिक्रीज किया तो ये डिक्रीज करते इसमें जो वैल्यू यहां वो ले चुका है ऐसे, वही वैल्यू वो फिर से रीटेक करेगा, तो अगर मैं 2x की वैल्यू लेता हूं, ध्यान से सुनो, ये x1 है और ये x2 है, और ये इसी तरह से मैं 2 वैल्यू यहां लेता हूं, x3 है और x4 है, अब जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये चारों नंबर्स जो है वो हमारे इस इंटरवल में लाई कर रही है, आई एम सेइंग दैट x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज एफ एक्स टू इज लेस देन एफ एक्स वन, एग्रीड, बोलो यस सर।
एक्स टू एक्स वन से बड़ा है और एक्स टू की वैल्यू छोटी है एक्स वन की वैल्यू से, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है, तो ये डिक्रीजिंग है। इसी तरह से मैंने बोला एक्स थ्री ग्रेटर देन एक्स फोर, नो एक्स फोर ग्रेटर देन एक्स थ्री, बट एफ ऑफ एक्स फोर इज स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स थ्री, यस आर नो? यस बट इन द सेम इंटरवल आई कैन से दैट एक्स थ्री इज ग्रेटर देन एक्स टू, ये एक्स थ्री और एक्स टू भी तो उसी इंटरवल का पार्ट है, यस बट एफ ऑफ एक्स थ्री और एफ ऑफ एक्स टू में क्या रिलेशन है बताइए। एफ ऑफ एक्स थ्री इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर टू, देन एफ ऑफ एक्स टू, लार्जर द इनपुट लार्जर द आउटपुट, ये किसकी पहचान है? ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। तो फॉर सर्टेन पेयर्स इट इज फॉलोइंग द डिक्रीजिंग रूल, फॉर सर्टेन पेयर्स इट इज नॉट, तो यू कैनॉट से दैट इन द यूनियन ऑफ टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल्स द फंक्शन विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जैसे आप यूनियन सिंबल से दो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, टू इंटरवल्स ऑफ सिमिलर मोनोटोनिसिटी कैन नॉट बी कंबाइंड यूजिंग द यूनियन इंटरवल विदाउट टेकिंग एडिकेट टेस्ट, विदाउट टेकिंग एडिकेट प्रिकॉशन। कर भी सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे मैं एक एग्जांपल एक ग्राफिकल दिखाऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। यहां तक बात डिस्कस हो गई, मैं खत्म करूं इसको। यस सर, जैसे मैं एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, देखो इसको जरा गौर करो। मान लो फंक्शन ऐसा हो, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये पहला इंटरवल है और ये वाला दूसरा इंटरवल, ये इंक्रीज वाला इंटरवल, इंक्रीज वाला इंटरवल मैं सेपरेट कलर से कर दे रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल है, फिर ये डिक्रीज वाला इंटरवल है यहाँ तक, और इसके बाद फिर से ये इंक्रीज वाला इंटरवल है, और फिर ये डिक्रीज वाला इंटरवल है। तो डिक्रीज वाले इंटरवल को एक डी वन बोल रहा हूँ, डी वन इज द इंटरवल ऑफ डिक्रीज, डी टू इज इंटरवल ऑफ डिक्रीज एंड डी थ्री इज ऑल्सो इंटरवल ऑफ डिक्रीज। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, अगर इसको मैं अल्फा बोलता हूं और इसको बीटा बोलता हूं, इसको गामा बोलता हूं और इसको डेल्टा बोलता हूं, पॉइंट एक्स की वैल्यू है ये, एक्स इक्वल टू डेल्टा गामा, एक्स इक्वल टू डेल्टा, एक्स इक्वल टू बीटा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू अल्फा पॉइंट है। कैन आई से दैट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन यूनियन डेल्टा टू इंफिनिटी, बोल सकते हैं कि नहीं? सर बोल सकते हैं। बट एफ एक्स इसमें डिक्रीज कर रहा है, इस वाले इंटरवल में भी डिक्रीज कर रहा है और यूनियन में भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू गामा? तो ये जो दो है डी वन और डी टू को मैं यूनियन से क्लब नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी है, पहले डिक्रीज करते हुए आया, फिर अपनी वैल्यू को रीटेक करा, इंक्रीज करते समय बहुत सारी वैल्यू को रीअटेन किया, फिर डिप करते हुए वही वैल्यू को फिर रिपीट करेगा, तो जो पहले डिक्रीजिंग वाले प्रोसेस में उसने जो वैल्यू ली थी वो वैल्यू आगे रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही तो कहां से मोनोटोनिसिटी रहेगी भाई? रिपीटिंग वैल्यू में तो मोनोटोनिसिटी हो ही नहीं सकती। तो टू कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटीज फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन कैन नेवर बी क्लब्ड विद यूनियन सिंबल। मैंने बोला कंटिन्यूअस फंक्शन में, डिसकंटिन्यूअस में हो सकता है कि ये इंटरवल यहां यहां से यहां तक इंक्रीजिंग गया और इसके बाद ये सडनली यहां ड्रॉप किया और ड्रॉप करके फिर से ये इंक्रीज कर रहा है ऐसे, तो उस केस में ये दो दो इंक्रीजिंग इंटरवल्स है ना, यहां भी इंक्रीज कर रहा है आई वन इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिक इंक्रीज और ये आई टू भी इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिक इंक्रीज है, और आप आई वन यूनियन आई टू कर दो चलेगा क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं, आई वन यूनियन आई टू भी नहीं चलेगा, आई एम सॉरी, कहां से चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो डिक्रीजिंग भी प्रूव हो जाएगा, आई वन यूनियन आई टू नहीं चलेगा, आई टू को अगर मैं ऐसा कर दूं तो चल सकता है, जैसे यहां है और इसके बाद यहां से स्टार्ट किया और ऐसे है, चलेगा? आप यूनियन से क्लब कर दो चले,
तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ सिमिलर मोनोटोनिसिटी कैन नॉट बी क्लब बाय द यूनियन सिंबल। डिसकंटिन्यूअस है तो कर सकते हैं, मतलब आपको पहले प्रिकॉशनरी चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद ही कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, नाउ जस्ट नोट डाउन द सम पॉइंटर्स मैं दूंगा, उसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलो। टेस्टिंग समझ में आ गया कैसे करना है। व्हाइल प्रेजेंटिंग द आंसर फॉर इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज डू नॉट यूज यूनियन सिंबल विदाउट टेकिंग एन एडिकेट टेस्ट, एडिकेट केयर, पहले चेक कर लो उसके बाद ही यूनियन सिंबल का इस्तेमाल करो, बेस्ट है एंड करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इट मे हैपन दैट एफएक्स डिक्रीजेस इन टू इंटरवल्स बट फेल्स टू बिहेव सो इन देयर यूनियन। दो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है बट उनके यूनियन में हो सकता है वो डिक्रीजिंग ना रहे, उसका वायलेशन हो जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे ये केस का अभी आपने थोड़ा पूरा डिस्कस किया तो उसमें तो आपको समझ में आएगा। ऑल्दो व्हेन एफएक्स इज, ये पॉइंट लिख दो फिर से, लिखते ये पॉइंट्स लिखते जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो व्हेन एफएक्स इज डिसकंटिन्यूअस देन दिस मे हैपन दैट एफएक्स इंक्रीजेस इन ए बी क्लोज्ड एंड सी डी क्लोज्ड बोथ, सो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग इन ए बी यूनियन सी डी। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि ए से बी में इंक्रीज कर रहा है, सी से डी में इंक्रीज कर रहा है और यूनियन में भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा हो सकता है डिसकंटिन्यूअस में। जैसे कि अगर एक ग्राफ में दिखा रहा, ये ग्राफ दिया ऐसा, देखो ए से बी में इंक्रीज कर रहा है, फिर बी से सी में डिक्रीज कर रहा है और सी से डी में इंक्रीज कर रहा है, तो यहां दो कंसेक्यूटिव इंक्रीज वाले इंटरवल जो आ रहे हैं वो यूनियन से कनेक्ट किए जा सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीज कैन बी क्लब्ड विद यूनियन सिंबल बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर यही फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होता तो दो कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ सिमिलर मोनोटोनिसिटी शुड नॉट बी और कैन नेवर बी क्लब्ड बाय यूनियन सिंबल। कंटिन्यूअस में क्लब नहीं कर सकते कंसेक्यूटिव इंटरवल्स को, और डिसकंटिन्यूअस के केस में चेक करके क्लब कर सकते हैं। क्यों क्लब कर लिया यहां पर? क्योंकि फर्स्ट इंक्रीजिंग इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो सेकेंड इंक्रीजिंग इंटरवल की लीस्ट वैल्यू से छोटी है, इसलिए वायलेशन नहीं हुआ। एफ सी इज ग्रेटर देन एफ बी है, इसलिए वायलेशन नहीं हुआ। ठीक है जी, ये पॉइंट्स समझ में आ रही बात? यस, बिकॉज एफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ सी, इस वजह से आपने यूनियन से क्लब किया तो भी कोई इश्यू नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, सिमिलरली मैं स्लाइड को चेंज करूं, यहां तक बात समझ में आ गई? तो यस सर, तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग क्या ले रहे हैं, इफ एफएक्स इंक्रीजेस इन ए बी एंड डिक्रीजेस इन सी डी एंड अगेन इंक्रीजेस इन डी ई देन एफएक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन ए बी यूनियन डी ई, दैट विल बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी द क्या द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, the max value of the first interval should be less than minimum value of the second interval. तो यहां लिखेंगे max value for all x belongs to AB should be less than the minimum value of all x belonging to DE interval. तो पहले interval की जो max value है अगर दूसरे interval of increase की तो minimum value से छोटी है तो आप union symbol से club कर सकते हैं। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए भी आप अपने आप एक ओपिनियन बना सकते हैं कि कौन से केस में हम कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। जस्ट माय पॉइंट इज टू डिस्कस द सिचुएशंस जिससे आपके दिमाग में आ जाए कि भाई यहाँ पर आपको कॉशियसली मूव करना है, ऐसे आंख बंद करके यूनियन नहीं कर देना। ठीक है, तो शैल वी गो अहेड? यस यस सर। कन्वेंशनली इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी इज एक्सप्रेस यूजिंग ओपन इंटरवल, जो अभी बात कर रहे थे हम कि कन्वेंशन तो है कि ओपन इंटरवल से ही इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, बट कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल को क्लोज कर दो तो ज्यादा बेटर होगा, इट गेट्स यू द बेटर इंफॉर्मेशन। और डिसकंटिन्यूअस में तो ओपन को क्लोज करो, कंटिन्यूअस में तो ओपन करो क्लोज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहीं नोट करके लिख दो, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस then open interval of monotonicity can be replaced by the closed interval, except minus infinity or infinity पे आप नहीं close कर सकते, but finite जो terminals है वहाँ पर close कर सकते, continuous function।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ओपन को क्लोज करने से पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूअस में ओपन हमेशा सही है, क्लोज करते समय आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आइडियली यूज ऑफ क्लोज इंटरवल इज मोर इन्फॉर्मेटिव पर्टिकुलरली फॉर द डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। इफ एफ एक्स इंक्रीजेज इन ए बी ओपन एंड डिक्रीजेज इन बी सी, ए से बी तक इंक्रीज कर रहा है और बी से सी तक डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, एक कोई फंक्शन हम हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहे हैं, जैसे ए से बी तक इंक्रीज किया और बी से सी तक डिक्रीज किया, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए बी में इंक्रीज कर रहा है तो ए से बी पे क्लोज कर दूंगा मैं। आई कैन से दैट फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेस इन क्लोज ए बी, यहां पर क्लोज इसको डॉट लिखना है, पर हॉलो नहीं है, एंड डिक्रीजेस इन क्लोज बी सी, ओपन को मैंने क्लोज कर दिया बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, दूसरा सिचुएशन देखो, अब ये फंक्शन ए से बी में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ए से बी में, ए से बी ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है देख लो, और बी से सी ओपन इंटरवल में डिक्रीजिंग है, कोई डाउट नहीं। अब मैंने यहां पर बोला क्या हम क्लोज कर सकते हैं ए बी ओपन को, ए बी क्लोज कर सकते हैं ये दूसरे वाले डायग्राम पर? नो कर सकते हैं ना, क्योंकि ए बी ओपन में, ओपन ए बी में डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है तो क्लोज ए बी में भी तो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट की वैल्यू इससे बड़ी ही है ना इस वाले से, तो बी तक क्लोज कर पे ओपन रख के फिर बी सी पे क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, मेरा पॉइंट, मेरी बात सुनो, यहां पर ओपन में तो कोई डाउट नहीं है, ये बात तो होल्ड कर ही रही है, दोनों ही डायग्राम पे कर रही है। फर्स्ट वाले में मैंने बोला ओपन का क्लोज किया, कोई दिक्कत नहीं, बट सेकेंड वाले में मैंने बोला कैन आई से दैट एफ इज इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे इंटरवल में एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन है इंप्लाइज एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन है, क्या इसका वायलेशन हो रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर मैं ओपन को क्लोज कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट पे जाओ, सेकेंड पार्ट में एफ जो है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग है इन क्लोज इन क्लोज इंटरवल बी सी, कैन आई से दिस? ओपन में तो है, ओपन में तो कोई डाउट नहीं है, बट क्या ओपन को सेकेंड पार्ट में मैं क्लोज कर सकता हूं? यस सर, कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। जस्ट लुक एट हियर, ये ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। अब यहां ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये बी है, यहां जा रहा है यहां, और ये ऐसा है पहले, और फिर यहां पर जंप हो रहे हैं और इसके बाद में ग्राफ ऐसे आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन, एफ इज इंक्रीजिंग इन ओपन ए बी एंड एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन बी सी, सही है कि नहीं? यस सर, एज पर दिस डायग्राम ये बात सही है। अब मैंने बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस ओपन को क्लोज लिखना चाह रहा हूं, क्या अलाउ करेंगे आप? यस सर, कर रहे हैं, वेरी गुड। यस सर, अब मेरे को ये वाला भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस वाले ओपन को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको भी क्लोज करना चाह रहा हूं, कैन यू अलाउ? नो सर, नहीं करेंगे। नो सर, बी पे वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि पहला इनिशियल पॉइंट पर ये वायलेशन हो रहा है, छोटे इनपुट का वैल्यू छोटा और बड़े का बड़ा है, तो यहां पर पहले अप जाकर के फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये यहां क्लोज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी आप ओपन में एक्सप्रेस करो या क्लोज में एक्सप्रेस करो, कोई वायलेशन नहीं, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक केयर, एंड देन बाय आफ्टर चेकिंग एंड ऑब्जर्विंग यू कैन डू इट, यू कांट सिंपली रिप्लेस द ओपन इंटरवल बाय क्लोज इंटरवल, और क्लोज क्लोज को ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं, बट ओपन को क्लोज करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई होप दिस मेक्स क्लियर है। बोलो। यस सर, यस सर, जैसे यहां पर ओपन ए बी में इंक्रीज कर रहा है, क्लोज ए बी में भी इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट?
और ओपन बीसी में डिक्रीज कर रहा है बट क्लोज बीसी में डिक्रीज नहीं कर नहीं रहा है। कर रहा। बिल्कुल सही बात है। इसमें बताओ, ओपन एबी में इंक्रीज कर रहा है, ओपन एबी में, क्लोज यस में, सर, क्लोज एबी में नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। तो यहां पर ओपन में इंक्रीजिंग है चलेगा, बट ओपन का क्लोज करोगे दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, बीसी बीसी ओपन में डिक्रीज कर रहा है, बीसी क्लोज में नहीं नहीं कर कर रहा। नहीं कर रहा है। तो यहां पर दोनों में नहीं कर सकते, ना लेफ्ट वाले साइड में कर सकते ना राइट में कर सकते, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है ना, तो दोनों का वायलेशन करा देगा ये। तो कंक्लूजन ये आया कि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ओवर क्लोज इंटरवल, द ओपन इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी कैन बी रिप्लेस बाय द क्लोज इंटरवल, बट फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इट कैन नॉट बी ऑलवेज डन। सो फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यू हैव टू डू वेरी केयरफुल, एंड दिस इज ऑल विच यू शुड टेक केयर वाइल प्रेजेंटिंग द इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी इन जेई एडवांस एग्जाम। जेई मेन में इतना डेलिकेट तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ऐसी सिचुएशन से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बट एडवांस में डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। बोले फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी, ग्राफ भी कर लो, क्रिटिकल पॉइंट, इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी और ग्राफ, उसमें कम से कम मैक्सिमम मिनिमम भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट होता रहेगा आपका। अराउंड 14th के आसपास से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से। जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जो करी है उसकी वर्किंग भी करेंगे। मैंने आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि वर्किंग सेशंस में दोनों इंटीग्रेशन की भी वर्किंग और डिफरेंशियल कैलकुलस की भी एक पूरा मैं एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बनाऊंगा आपके लिए, और उसमें आप दोनों वर्किंग कंबाइन करके करेंगे, इट विल बेनिफिट यू अलॉट। और उससे क्या हो जाएगा कि इधर जो आपने कंसेप्चुअली काम किया हुआ ना उस पर जो है और मेच्योरिटी आ जाएगी, और आराम से कर सकते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, वहां पर आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं फील होगा, आप इंजॉय करेंगे पूरे। जिस समय इंडेफिनिट कर रहे होंगे उसमें बेस्ट होगा कि आप पूरा डिफरेंशिएशन और टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी इस पर खूब काम कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम तक। जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो उस समय आप रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, कर्वेचर और मैक्सिमम मिनिमम पे वहां भी काम कर सकते। दोनों पार्ट का आंसर करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट ईच, 1.5 मिनट ईच? 1.5। चलो 4 मिनट दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ बोलो। जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगा करेंगी? ठीक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है सर। तो वहाँ अप्रोक्स कितनी देर में शिफ्ट होगा? लेटेस्ट डेट ऑफ शिफ्ट इज 15th अप्रैल, लेटेस्ट। ओके सर। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू जस्ट गेट इट डन बाई 10th ओनली, एवरीथिंग इज डन, हॉस्टल वॉस्टल इज ओके, ओनली दी सम इंटरेक्टिव पैनल्स आर स्टिल नॉट रिसीव्ड फॉर द क्लासरूम्स, सो दैट लीज 9 इंटरेक्टिव पैनल, सम फर्नीचर इन डाइनिंग हॉल, दैट फ्यू थिंग्स आर स्टिल अवेटेड, दैट्स वाई इट विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 10 more days। सेकंड में तो एक एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है और एक एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। बी वाले पार्ट पे ठीक यस सर। है, और उसका ग्राफ भी बना लो। उसका ग्राफ भी कर लो पूरा,
जब इतना कर लिया तो डन सर। डन सर, डन ठीक है, दोनों हो गया। सर। फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट फंक्शन में क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? दो क्रिटिकल पॉइंट है, कौन यस सर, कौन से? टू यस सर, एंड थ्री, टू एंड एंड थ्री, थ्री। टू एंड थ्री। टू क्रिटिकल पॉइंट कैसे हुआ जरा मुझे बताओ। टू पर जो डेरिवेटिव है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो फंक्शन भी तो नॉट हाँ बट डिफाइंड हो रहा उसके था। अब टू पर फंक्शन भी तो नॉट डिफाइंड है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? यस सर, डोमेन ठीक होना चाहिए, विद इन द डोमेन होना चाहिए। आप जानते हो कई बार क्या होगा ना, तुम लोगों को वैट में या कैट में क्वेश्चन आएगा कि एल इज द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, एम इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एन इज द नंबर ऑफ दिस, देन एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू दिस। हो गया काम कल्याण, सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो पहले डोमेन, डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट टू। अब क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ प्राइम, एफ प्राइम एक्स तुमने निकाला तो क्या आया? इट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वेयर, एक्स माइनस टू इनटू ई एक्स माइनस ई एक्स, यही आएगा ना? तो यस बेसिकली आ यस जाएगा ई एक्स टाइम्स एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर। सो डेफिनेटली इट हैज, इट इज जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री।
एंड नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू। बात बिल्कुल सही है कि एक्स इक्वल टू पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, बट एक्स इक्वल टू डोमेन में नहीं है। टू डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, देयर फॉर ओनली क्रिटिकल पॉइंट यूल रिपोर्ट एज एक्स इक्वल टू 3। ठीक है जी, आप एक बार, मैंने बोला था एक बार एनसीईआरटी रीड भी कर लेंगे। पॉइंट्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि वो पॉइंट ही ग्राफ पे नहीं है, तो बोल रहे हैं जब वो पॉइंट ग्राफ पे नहीं तो उसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं। तो दैट इज द बी पार्ट पे हो। ए, अच्छा इसका ग्राफ कैसा हुआ? ग्राफ ये तो समझ में आ गया कि आपने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया, अब एफ डैश एक्स के बाद में इसका ग्राफ कैसा नजर आएगा? डेरिवेटिव, साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या आ रहा है वो भी बता दो। थ्री के इसको क्या बाद लेफ्ट में नेगेटिव नेगेटिव है, फिर राइट साइड में पॉजिटिव आ गया। है? हाँ ठीक है, तो मैंने पहले तो मार्क कर दिया डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स और जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। एक तो हमने टू मार्क करना था, टू पे लफड़ा हो रहा है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है टू पर, तो ये टू मार्क कर दिया और थ्री मार्क कर दिया, थ्री यस सर। कर दिया। और टू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है मतलब टू पर वैल्यू इन्फिनिटी होगी ना, तो यस सर, एसिम्प्टोट आ जाएगा। एसिम्प्टोट आ जाएगा वर्टिकल, है ना। अब इसके बाद में इसकी बात करो, चलो डेरिवेटिव का साइन क्या रहा है? थ्री के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है यस सर, लेफ्ट और का डेरिवेटिव। थ्री थ्री के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है यहाँ तक, और थ्री यस के सर, लेफ्ट थ्रू आउट नेगेटिव है, चाहे जहां जाओ नेगेटिव ही है, इधर भी नेगेटिव है सर। यस सर, यस सर। अब इसके बाद में अगर मैं बोलूं कि माइनस इन्फिनिटी पर इसका लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स नो, टेंडिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो ऑफ जीरो एफ नेगेटिव। एक्स, जीरो आ गया, जीरो नेगेटिव आया ना, क्योंकि यस ऊपर सर, ऊपर जीरो को जाएगा नीचे, तो माइनस इन्फिनिटी पर जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव और डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, ध्यान देना। मतलब ये कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ये डिक्रीजिंग आएगा जीरो पर, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, किस पॉइंट पर? एक्स को जीरो पुट नेगेटिव टू। करके, हाँ माइनस हाफ पे, यस सर, जीरो कॉमा यस माइनस हाफ पे, जीरो कॉमा माइनस हाफ पे इसने ऐसे कट कर लिया ऐसे मान लो। इसके बाद फिर ये ऐसे जाएगा, और टू पर लेफ्ट लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव ऑन दिस फंक्शन, नेगेटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट नेगेटिव इन्फिनिटी, तो चल इस गया अभी, तो नेक्स्ट चल गया। इसका मतलब है कि इसी में जाकर ऐसे टच कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी। टू पर राइट लिमिट क्या आएगी? टू पॉजिटिव क्या आएगी? पॉजिटिव इंफिनिटी। टू पॉजिटिव तो टू प्लस एच हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मतलब है अब यहाँ इन्फिनिटी से प्रकट होगा ऐसे, और फिर क्योंकि डिक्रीजिंग ही है ना, डेरिवेटिव साइन नेगेटिव है तो डिक्रीज करता हुआ आएगा। थ्री प्लस स्लोप जीरो होगी थ्री फिर। पर वैल्यू, थ्री पर वैल्यू स्लोप जीरो होने का मतलब थ्री पर वैल्यू डिक्रीज करके इंक्रीज करा तो मिनिमा होगा, थ्री पर मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? ई क्यूब, ई क्यूब, तो यहाँ ई क्यूब आ गया, ऐसा ई क्यूब वैल्यू आ गई है, मिनिमा है। इसके बाद अब इंक्रीज करेगा फंक्शन, अब ऊपर जाएगा फंक्शन, ऐसे इंक्रीज करते हुए कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी से। ये कौन सा वैल्यू है? ये वाली थ्री, EQ थ्री कॉमा ई क्यूब। अब यहां से आपको बोला जाए कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन? रेंज ऑफ फंक्शन है नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन यूनियन EQ क्लोज टू ई इन्फिनिटी। क्यूब क्यूब क्लोज्ड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये तुम्हारा फंक्शन करें। जब आप ये पूरा प्रोसीजर करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ प्रोसीजर आपको रेंज तो मिल ही जानी फंक्शन की। तो ये ग्राफ आ गया, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक है, ठीक है, मिनिमा पॉइंट कितने हैं? एक ही है, लोकल मिनिमा पॉइंट एक ही है, वही ये वाला। चलिए जी, ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट की बात भी कंप्लीट कर दो। बी पार्ट सही था आंसर? बी पार्ट में क्या बोला आपने? हाँ 1 एंड 2 आ रहे थे मेरे। यहाँ ठीक है, वन एंड टू आए बी पार्ट में। बी पार्ट में वैसे तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसलिए कोई डोमेन का लोचा नहीं है। एफ प्राइम अगर आपने किया होगा तो एफ डैश एक्स निकाल ही लिया होगा, एक्स माइनस टू रेस टू द पावर 2/3 इंटू टू प्लस 2x+1 प्रोडक्ट 2/3 ऑफ एक्स माइनस टू टू द पावर, डिनोमिनेटर में ले जाके 1/3 कर दो, फिर एलसीएम लेते ही इधर ये दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या बन जाएगा? 6 टाइम्स x-2, 6 टाइम्स x-2 दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस 4x+2 इजंट इट डिवाइडेड बाय x-2 का
पावर 1/3 थ्री टाइम्स। हेलो जी, यही आ रहा है? यस सर। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बना बाय द वे, 10x-10, 10 टाइम्स x-1 हो गई, यस सर। एंड ओवर क्या आ गया, ट्रिपल ऑफ x-2 का क्यूब रूट। ऑब्वियस ही बात है कि एट x=1 f'(x)0 एंड एट x=2 f'(x)≠ डिफाइंड, इन्फिनिटी हो रहा है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, 1 एंड 2। और फिर इसका ग्राफ बना लिया होगा, इसका ग्राफ कैसा यस सर। आया, कैसे बता, मैंने मतलब लिया तो 2 पर टच कर रहा है वो टच इसको। एक सेकेंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देखना कि आपने एग्जैक्टली वैसे ही सोचा है कि थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है। 2 पर टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स इसको गलत है, फिर से सोचो प्रोसेस को पूरा अच्छे से, देखो कि गलती कहाँ हो रही है। अब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ पढ़ चुके हो बेटा, अब आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह का टेक्निकली गलत आंसर करो। पे पीक टाइप बंदा होगा कुछ, हाँ जी, पे मतलब पीक बंदी होगी कुछ। 2 पर स्लोप क्या है पहले ये देखो, अगर 2 पर ये डेरिवेटिव, डिफाइंड अगर 2 पर टच कर रहा होता तो एक्स एक्सिस को, तो 2 पर डेरिवेटिव 0 आता ना, कहाँ 2 पर डेरिवेटिव 0 बताओ, 2 पर RHD और LHD बताओ मिस्टर प्रथम। समझ गया सर, गलती हुई। तो इट्स कैलकुलस बेटा, आपको ना बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ है ना, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, परफेक्शन चाहिए आपको, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होगा। 2 पर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ, आएगा तो दोनों इन्फिनिटी, LHD क्या आएगी 2 पर, 2-H पुट करो यहाँ पर, नेगेटिव इनपुट। नेगेटिव इन्फिनिटी होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ होना भी चाहिए नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि मोनोट्रांसिटी जरा चेक करो, 2 के राइट में क्या है, पॉजिटिव है डेरिवेटिव, और 2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर, इसके इधर फिर से क्या है, इधर फिर से क्या है, पॉजिटिव है थ्रू, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस तो अगर नेगेटिव है और इन्फिनिटी हो रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा ना, तो इधर में ये ऐसे टच करता है, ऐसे आएगा ग्राफ ऐसे, और इसके राइट साइड में क्या है, प्लस इन्फिनिटी होगा, तो 2 के राइट में ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ पर ये ऐसा है, ऐसा टच नहीं करेगा, ये ऐसे शार्प टर्न है बिल्कुल, ऐसे वर्टिकली डाउन आएगा और वर्टिकली टेक ऑफ करेगा ऐसा। उसे पीक बंद है। हाँ, और 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 पर वैल्यू बता दो फंक्शन की, -3 या नहीं, 1 पर वैल्यू क्या आ रही, +3 +3, +3, 1,3 ऐसा, और 0 पर वैल्यू क्या आ रही फंक्शन की, x=0 पर -2, मतलब 2^2, 4 का क्यूब रूट कुछ होगा ऐसे, आई एम नॉट कंसर्न मच, ये वाला है 1,3, और इसके बाद माइनस इन्फिनिटी पर, तो ये इन्फिनिटी होगा, इसका एक रूट आएगा -1/2 पे ऐसे, और यहां पर ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। अभी भी मैंने ग्राफ रफ ही रखे क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव की एनालिसिस हमने बिल्कुल नहीं करी है, ठीक है, तो जब तक वो कर्वेचर के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हम सेकेंड डेरिवेटिव के एनालिसिस स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए, बोल रहे हैं कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोट्रांसिटी फॉर दिस फंक्शन, क्विक जल्दी आंसर करो, x+ln(1−4x) इंटरवल ऑफ मोनोट्रांसिटी बतानी है आपको, आपके पास सिर्फ 1 मिनट टाइम है, ओनली 60 सेकेंड्स।
डन सर. बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/4, और फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस 3/4 टू 1/4. पहले आपने डोमेन देखा होगा, डोमेन इसका क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी टू 1/4. हाँ, 4x हैज टू बी लेस देन 1, x हैज टू बी लेस देन 1/4, तो नेगेटिव इंफिनिटी टू 1/4 ओपन। f प्राइम x यू कैलकुलेट, इट इज 1 + 1/1 - 4x प्रोडक्ट -4, सो वर्चुअली इट इज एक्चुअली 1 + 4/4x - 1, इट इज दैट कैन बी रिटन इवन 4x + 3/4x - 1, एग्रीड। और इसका साइंस स्कीम अगर देखो तो क्लियर दिख रहा है कि एक रूट है -3/4 डेरिवेटिव का और एक है 1/4, बट एक बार ध्यान देना है कि ये डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में बात हो रही है, बट ये डेरिवेटिव फंक्शन इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कब? ओनली व्हेन एक्स लाइज इन दिस इंटरवल, क्योंकि इसके बियॉन्ड ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जबकि ये डेरिवेटिव फंक्शन जो आप फाइंड कर रहे हो ये पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है एक्सेप्ट 1/4, तो साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन जो आ रही है 1/4 से इन्फिनिटी में क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और इधर फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बट हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आवर डोमेन ओनली एक्सटेंड अप टू हियर, इस पॉइंट के राइट साइड में डोमेन हमारा नहीं है, तो हम गलती से उधर नहीं बोलेंगे। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी इसी इंटरवल में होगी, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू -3/4, इट इज स्ट्रिक्टली, बोलो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड इफ एक्स बिलोंग्स टू -3/4 to 1/4, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, ओपन इंटरवल लिखा, कोई डाउट नहीं है। अब यहां बात आ रही है, क्या ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है? मैं कुछ यस बोल सर. रहा हूं, क्या ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है? यस यस सर. यस, यस सर. कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ओपन को क्लोज कर सकते हैं, तो आप ये वाली इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी को ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन टू -3/4 क्लोज्ड, और इसको भी आप लिख सकते हो -3/4 क्लोज्ड से 1/4, 1/4 ओपन या क्लोज्ड? ओपन की कोड मेन में. हाँ, क्योंकि तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, गो अहेड, गोइंग टू नेक्स्ट वन। ओपन लिख रहे हैं तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज करते समय आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यूस आ गया तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फटाफट बताइए, और ये दोनों का ग्राफ भी बना दो, एक का तो शायद पहले भी शायद किया होगा जहां तक मुझे याद है। ए पार्ट पहले भी किया है. ए ए पार्ट पार्ट, करा है. तो ए पार्ट का ग्राफ स्किप कर देना, बी पार्ट कर देना।
ए पार्ट में डोमेन क्या था? ऑल रियल एक्सेप्ट, नॉट ऑल रियल, जीरो ओपन टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट वन, है ना? यस सर, ए पार्ट में एफ प्राइम एक्स क्या आया था आपको? लॉन एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, इन द न्यूमरेटर लॉन ऑफ एक्स माइनस लॉन ऑफ ई। माइनस लॉन ऑफ ई, वन आ गया तो उसको लॉन ऑफ ई लिख सकते हो। यू कुड राइट इट एज लॉन ऑफ एक्स बाई ए अपॉन डिनोमिनेटर इज स्क्वायर्ड क्वांटिटी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? When when the derivative is zero at x equal to e, can there be a point where derivative is not defined? Can there be a point where derivative is not defined? Which point, at which point the derivative is not defined? 1 and 0 but what domain? 1 x equal to 1 पर derivative defined नहीं है, 0 पर, 0 तो चलो 0 और 1 दोनों domain में नहीं है, तो x equal to 1 in spite the derivative is not defined ये critical point नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक्स इक्वल टू ई ही बोला जाएगा। अब डेरिवेटिव का साइन स्कीम की बात कर लेते हैं। साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव क्या आ रहा है? ई जीरो से ई में डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर एक्स की एक्स लाइज जीरो टू ई, एक्स अपॉन ई इज लेस देन वन, लॉग ऑफ क्वांटिटी लेस देन वन इज नेगेटिव, एंड बियॉन्ड ई इफ एक्स इज ग्रेटर देन ई, सो दिस क्वांटिटी गोज ग्रेटर देन वन, द नंबर greater than 1, log is positive because it is natural log, base is greater than 1 and therefore आपको पता चल गया कि कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। जीरो पर लिमिट क्या आएगी इसकी? जीरो पर आरएचएल बोलो इसका। टाइम लग रहा है इतना? वर्बल है, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, इनफैक्ट इनडिटर्मिनेट है ही नहीं। डिनोमिनेटर माइनस इनफिनिटी को जाएगा, वन बाई माइनस इनफिनिटी जीरो इंटू जीरो फॉर्म है जीरो, तो ओरिजिन से ही ये ग्राफ ओरिजिनेट होगा। जीरो जीरो कॉमा जीरो से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जीरो पर डिफाइंड नहीं है, और उसके बाद ये ग्राफ किधर जाएगा? वन पर ये अनडिफाइंड है ना? वन पर अनडिफाइंड है मतलब वन पर इन्फिनिटी, ऐसे जब यहां से डिक्रीज करके ये वन पर लेफ्ट लिमिट वन पर क्या आ जाएगी, निकाल दो आप, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, राइट लिमिट वन पर प्लस इन्फिनिटी आएगी, फिर वही कहानी आएगी, ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा। यहाँ पर ई पर जो वैल्यू आएगी वो ई आएगा, ई कॉमा ई, और फिर ऐसे इंक्रीज करते हुए जाएगा, ऐसे ये ऐसा ग्राफ आएगा ई कॉमा ई। इसका रेंज क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन ई टू इन्फिनिटी, ये रेंज आएगी, ई क्लोज्ड। इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी में आप क्या बोलेंगे बोलो? कैन आई से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू ई एक्सेप्ट वन? नो सर, नो सर, नहीं बोल सकते, क्लब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जंप करके ऊपर गया वैल्यू, तो ये या एक नंबर यहां लो और एक इधर ले लो इस इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग बिहेवियर शो होगा। तो आप इसको ऐसा लिखना, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू वन ओपन, एग्रीड, एज वेल एज इन द इंटरवल वन टू ई, ई क्लोज कर सकता हूं बट यूनियन नहीं कर सकते डिक्रीजिंग के लिए, और इंक्रीजिंग तो अकेला है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए पार्ट हो गया जी। बी पार्ट का कैसा आया सिचुएशन? डोमेन क्या है बी पार्ट में? फंक्शन का डोमेन क्या था? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, वेरी करेक्ट। एफ प्राइम एक्स क्या है? 4x ln mod x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 by x. 1 by x.
वन बाय मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स बाई एक्स है ना, अगर चेन रूल लगाओगे तो सर वन बाई यस एक्स आ जाएगा, तो एक्चुअली आ जाएगा 4x² माइनस वन ओवर व्हाट एक्स। और इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2x-1 इंटू 2x+1 ओवर एक्स। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस माइनस हाफ साइंस की? नेगेटिव नेगेटिव इनफिनिटी टू नेगेटिव हाफ नेगेटिव है माइनस हाफ एंड हाफ आर द क्रिटिकल पॉइंट्स नॉट जीरो बिकॉज जीरो इज नॉट इन द डोमेन। मेन ऑल्दो जीरो को जब हम साइन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे ना तो जीरो को भी कंसीडर करेंगे यस क्योंकि जीरो के अक्रॉस भी मोनोटोनिसिटी में चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा है ना। यस माइनस हाफ के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन क्या है? यहाँ पर डेरिवेटिव हाफ हाफ के राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अनडाउटेडली पॉजिटिव होगा। जीरो से हाफ के बीच में डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव फिर यहाँ पर क्या होगा? तो पॉजिटिव फिर यहाँ क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब है जहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करके इंक्रीज करना, ये मिनिमा। और जब जब पॉजिटिव से नेगेटिव में डेरिवेटिव चेंज होगा मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो माइनस हाफ पर लोकल मिनिमम, माइनस हाफ पे वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी उसके चक्कर में क्या पड़े? हाफ प्लस नॉन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ कोई ऐसा वैल्यू आएगी, इसके इधर में ये ऐसे डिक्रीजिंग होगा और यहाँ से ऐसे इंक्रीज करेगा ऐसे। ठीक इवन है, फंक्शन ही है तो इवन फंक्शन है, इधर में ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना वन के जीरो के लेफ्ट में, यस सर लॉन जीरो माइनस इन यस माइनस सर इनटू माइनस प्लस इनफिनिटी हो गया, ये प्लस इनफिनिटी हो गया वैसे एसिम्प्टोट। इसी का मिरर इमेज ले लो इधर में क्योंकि इवन फंक्शन। जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्या एक दो क्वेश्चन भी कर सकते, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कर दो। अगर ये फंक्शन कंप्लीट नंबर लाइन पे मोनोटॉनिक है तो एक ही रेंज बोलो। नेगेटिव इनफिनिटी नेगेटिव वन क्यू एंड वन टू इनफिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव वन यूनियन, वन टू इनफिनिटी क्लोज लेंगे नेगेटिव वन हाँ क्लोज, वेरी करेक्ट। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ प्राइम एक्स आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ए माइनस कॉस एक्स है, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा इस नंबर का रेंज क्या आएगा? तो दिस बिलोंग्स टू ए माइनस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए माइनस वन। ए माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस वन। तो एफ एक्स इज मोनाटनिक, कब मोनाटनिक होगा बोलो? इफ दिस इंटायर इंटरवल, दिस इंटरवल इज एंटायरली पॉजिटिव और एंटायरली नेगेटिव, ये सारी वैल्यूज या तो कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाए, वो कब होगी? जब सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ए माइनस वन पॉजिटिव हो जाए, तो कब होगा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और दूसरा कि ये पूरा इंटरवल की वैल्यूज नेगेटिव हो जाए, ऑल डेरिवेटिव एवरीवेयर डेरिवेटिव बिकम्स नेगेटिव व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव बिकम्स नेगेटिव, ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। एग्रीड और नॉट? तो अगर ए की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी में कुछ भी आप लेते हैं तो ये सारी रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन रहेगा। शैल कैन वी जस्ट कंक्लूडेड, कोई यस दिक्कत तो सर नहीं? नो सर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 ऑफ साइन 3x प्लस 2ax इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। क्विक जल्दी आंसर करिए।
टुडे आई एम एग्जॉस्टेड. आई स्टार्टेड माई डे एट 7:30 एंड नाउ इट इज, क्या टाइम हो गया अभी? 9:50. 9:42 9:42 तुम लोग अभी तो दिन वैसे ही स्टार्ट हुआ होगा, है ना? सेवन सर खत्म थर्टी हो रहा है, खत्म हाँ yes, होने वाला है सर। सर खत्म अभी हो तो रहा है. ठीक चलेगा 2-2.5 घंटे या 3-4 घंटे और। चलो ठीक है हमारा ठीक, अबू से चलता है. शो मस्ट गो ऑन. नहीं मेरा भी ऐसे चलता है बेटा, देखते नहीं हो? सुबह सुबह से स्टार्ट होता है तो ये तो अभी क्लास खत्म होगी, आफ्टर दैट कुछ मेल वेल होगी, कुछ कुछ और दुनिया भर की चीज अभी पेंडिंग होंगी. देखो सर ए ग्रेटर देन 1 इक्वल टू भी आ जाएगा, क्या 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 किया. ए ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ना ग्रेटर देन. ग्रेटर सर देन ग्रेटर इक्वल देन टू 1 इक्वल टू. ठीक है. ठीक है डेरिवेटिव क्या किया, डेरिवेटिव बताओ. एफ प्राइम एक्स बोलो क्या किया. कॉस एफ प्राइम एक्स आ गया, कोसाइन ऑफ एक्स. वेरी करेक्ट. -2a cos 2x टू ए कोसाइन ऑफ 2x. वेरी करेक्ट. -cos 3 माइनस कॉस 3x प्लस 2a. यस टू वाली अब टर्म एक साइड लेकर हाँ, अब ये वाले को इसके साथ क्लब कर लो और रिमेनिंग दोनों को आप चाहो तो सीडी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना? यस सर सीडी फॉर्म में दबाएं। सीडी फॉर्मूला भी लगा सकते हो. तो अगर मैं सीडी फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? sin x sin 2x तो 2 sin c + d/2, तो sin 2x एंड d - c/2 sin x. और यहाँ पर प्लस 2a लिया तो 1 - cos 2x को क्या करोगे आप, 2 sin² x. अब यहाँ पर भी sin 2x को 2 sin x cos x कर दो तो 4 sin² x कॉमन आ रहा है क्या? यस सर फिर cos x + a बचा है। 4 sin² x कॉमन आकर के आ गया, कोसाइन ऑफ एक्स प्लस ए हो गया. अब यहाँ है कि हमें एफ प्राइम एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. एंटायर नंबर लाइन पर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए. तो ये क्वांटिटी तो हमारी हमेशा ही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है. तो अपने को ये नंबर, मतलब इसका मतलब हुआ कि कोसाइन ऑफ एक्स प्लस ए हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. और ये कब होगा, जब ए की वैल्यू इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए. मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, a-1. -1 a-1 हैज टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड देयर फोर ए हैज टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0. और भी तरीके हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई के, जैसे कोई कोई ऐसा करे कि ये जो कॉस 3x है इसको 4 cos³x - 3 cos x कर दिया तो वहां से भी निकल जाएगा. cos 2x को भी आप cos² x - 1 कर लिया, फिर कोसाइन में एक्सप्रेशन बना दिया तो वहां भी फैक्टर फुक्टर करके यही बन जाएगा. तो वो तरीके बदलेंगे बट अल्टीमेट कंक्लूजन यही आएगा, फाइनली लास्ट एक्सप्रेशन यही बनेगा आपको, चाहे जैसे आप करिए आउट करो. ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है? यस सर यस सर यस सर इसका भी आंसर बता दो क्विकली. सर अब खत्म कर देना ये मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है दो तीन. चलो ये लास्ट है, इसके बाद नहीं कोई करेंगे. चलो यही खत्म करते हैं, मैं भी फ्री हो जाऊँ. अभी क्या आप लोग के जूनियर्स जो है बड़ा रिलैक्स कर रहे थे कि ठीक है अभी और 10 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होगी, सडनली अभी या इन द इवनिंग द माइक्रो शेड्यूल हैज कम. 4 अप्रैल ऑनवर्ड देयर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट. सो टुमारो वी आर गोइंग टू बिगिन देयर ऑनलाइन क्लासेस.
सर अब उनकी भी वही हालत होगी। उनकी और लगने वाली है अभी देखना, अभी अभी स्टार्ट हो रहा है. एक्चुअली वी हैड अ प्लान टू स्टार्ट, एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर शेड्यूल विल स्टार्ट आफ्टर 15th of April. सो वी सर वर वो प्ले तो नहीं, तो वी वर प्लानिंग टू जस्ट ब्रिंग देम अराउंड 7 days अर्ली सो दैट वी कुड टेक 1 week एक्स्ट्रा क्लास एंड देयर फॉर दे कुड नॉट गो थ्रू द वर्क मच वर्क लोड एंड बिकॉज ऑफ टेस्ट टेस्ट प्रेशर डू नॉट कम. But now, 4th April onward, the classes are microschedule is going to start. So we have barely a time of 6 days to map. अभी उनका देखना तुम कैसा है. पहला देश का माइक्रोशेड्यूल अभी कल लग जाएगा, देखना ईडीपी रूम में लगा होगा. तो एक एक दिन में एक एक चीज खत्म हो रही है. वही मैं सोच रहा हूँ क्या बुरा हाल होने वाला है बच्चों का. पर इसका आंसर नेगेटिव इनफिनिटी टू क्या 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 नेगेटिव नेगेटिव इनफिनिटी टू नेगेटिव थ्री। थ्री। थ्री हाँ पहले तो एफ प्राइम एक्स क्या आया तुम्हारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस डेरिवेबल है. 3a+2x² - 6ax+9a, यही है ना. एंड दिस हैज टू बी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए. कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली नेगेटिव कब होगा उसका साइन, कोफिशिएंट नेगेटिव हो जब उसका ए लीडिंग नेगेटिव कोएफिशिएंट बी ए प्लस टू हैज टू बी नेगेटिव लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट बी नेगेटिव एंड डी हैज बी टू बी लेस लेस देन देन, जीरो। डी लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो एक ही पॉइंट पर होगा रूट पे, और एक एक पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव 0 भी हो जाए और उसके दोनों साइड में नेगेटिव रहेगा तो चलेगा. तो यहां से आ गया कि ए बिलोंग्स टू -∞ to -2 और डी लेस देन 0 से अपने को क्या मिल रहा है, 36a² - 3 × 36a × a+2. एक बार चेक कर लेना, ऐसे ही है ना, लेस देन इक्वल टू 0. यू कैन टेक कॉमन 36a. तो यू आर लेफ्ट विद a-3a-6, a+3 a+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड देयर फोर आ गया तुम्हारा ए बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, नहीं नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3 यूनियन यूनियन 0 to infinity. नाउ जस्ट मैप बोथ द इंफॉर्मेशंस, एक ये है और ये है, दोनों का एंड करेंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू -3 क्लोज इंटू -3 यस, तो ए बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3 क्लोज, ये आया था ना तुमको. यस सर यस सर यस सर ठीक है, यस सर ठीक है जी, ठीक है. तो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे. इसके बाद में अब रह जाता है सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मोनोटॉनिसिटी, मतलब मोनोटॉनिसिटी का यूज करके हम लोग कैसे कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस करते हैं, कैसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कैसे इनइक्वालिटीज को प्रूव करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन क्या क्या है, रेंज वो तो सब पहले भी आता है आपको, रेंज निकालते समय सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं. तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मोनोटॉनिसिटी समराइज हो जाएगा और फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पे मूव करेंगे या मीन वैल्यू थ्योरम पे मूव करेंगे, जो भी आपको सुइटेबल लगेगा. ठीक है, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे. थैंक यू सर, ओके ओके थैंक यू ओके, गुड सर, नाइट गुड थैंक यू नाइट गुड सर, नाइट गुड नाइट गुड नाइट.